अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी फ्रेंड्स, आज मैंने जो है अंडे लगा दिए हैं मशीन में, और ये देखें रोटियां मैं लेके आया हूँ, और ये जो है ना ऊपर चढ़ के खा रहे हैं। तो अंडे जी मैं लगा चुका हूँ मशीन में, तो वो आपको दिखाएंगे नीचे जाके। मुर्गी अभी मैंने कोई भी नहीं बिठाई, क्योंकि सही तरह पता चल रहा है कि क्रुक है मुर्गी, उसके बाद बिठाएंगे। ठीक है, ब्लैक मुर्गी की क्रुक भी है और साथ जो है ना अंडे भी दे रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो अभी अंडे जो हैं वो हैं जी 26 हैं या 27 हैं, तो वो सारे मैंने मशीन में लगा दिए हैं। फ़िलहाल इनको ये रोटियां डालता हूँ ठीक है यहाँ पे, और उसके बाद नीचे जा के आपको जो है ना मैं दिखाता हूँ, अंडे भी दिखाता हूँ और आज आपको मैं तोते वगैरह भी दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, रोटियां मैं इनको डाल चुका हूँ और उठा के आगे पीछे भाग रहे हैं सारे। ठीक है जी, देख सकते हैं आप लोग, कबूतरों का मैंने दरवाज़ा खोल दिया है कि बाहर आना चाहें तो बेशक आ जाएं। तो वाइट मुर्गी गायब है, आई थिंक बाहर गई हुई है। हाँ जी, वाइट मुर्गी गायब है। तो ये पट्टी इसको क्या है यार, ये इधर एक साइड पे क्यों आई हुई है। ठीक है, एक्टिव है। तो जी एक चूज़ा थोड़ा सा सुस्त था, वो जिसने टमाटर उठाया था, वो पीछे छोटा सा वो वाला थोड़ा सा सुस्त था, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। तो बाकी जी फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, और अभी मैं जो है ना चलता हूँ नीचे, और नीचे जा के ना मैं आपको दिखाता हूँ मशीन जहाँ मैंने अंडे लगाए हैं, और उसके बाद वापस आके आपके साथ बाकी का व्लॉग शेयर करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये मैंने लगाई है मशीन, और ये देखिए मैंने टेम्परेचर मीटर क्लियर रखा है, टाइम भी आ रहा है इस पर, टेम्परेचर भी आ रहा है, ह्यूमिडिटी भी आ रही है, सारा कुछ। तो ये अंडे लगाए हैं जी, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है अंदर, तो जब ये टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना नमी कहते हैं जिसको, ये ख़त्म हो जाएगी, देख सकते हैं जी। तो अभी आपको दिखाते हैं जी तोते। तो जी फ्रेंड्स, ये हैं तोते, ये रॉ हैं जी, और ये देखिए इन्होंने तोड़ तोड़ के इसको जो है ना डिब्बी को तोड़ दिया है। इसमें मैं इनको दाल डालता हूँ, चने की दाल ये खाते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। कुछ टाइम थोड़ी सी गर्मी कम होगी तो इनको ऊपर लेके जाएंगे वापस ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को, और इनको मैं इंशाल्लाह जो है सेल कर दूँगा। देख सकते हैं आप लोग, अगर किसी ने लेने हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, रॉ पैरट्स अगर कोई लेना चाहता है तो। ठीक है जी, एज इनकी 5 to 6 months है। तो जी फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मैंने दिखा दिया है नीचे अंडे वगैरह तोते वगैरह, यार ये देखें बाजरा पड़ा हुआ था और ये सारे आके इस पे टूट गए हैं। चलो, ये थोड़ा सा सुस्त हुआ है। चलो, बाजरे पे तो मैं इनके पाबंदी लगाता हूँ सही। तो जी रोटियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन चूज़ों को नहीं खाने दे रहे, इसका पानी उलट देते हैं। यहाँ भी पड़ी हुई हैं रोटियाँ। तो जी फ्रेंड्स, ये भी मैंने जो है ना बंद कर दिया था, जहाँ भी बाजरा पड़ा हुआ है तो इसको भी फ़िलहाल बंद रहने देते हैं, क्योंकि इन्होंने आके बाजरा खाना शुरू कर देना है। अभी जी इनको फीड भी देनी है, क्योंकि इनको रोटियाँ कम मिलती हैं, चूज़ों को रोटियाँ कम मिलती हैं, सारी रोटियाँ मुर्गे खा जाते हैं, तो या जिनके साथ माँ होती है उनको मिल जाती हैं। अब इन चारों के साथ माँ है, इनको रोटियाँ मिल जाती हैं, बाकियों को मारते हैं सारे। तो इनको मैं फीड डाल के देता हूँ जी। तो जी फ्रेंड्स, बर्तन खाली थे, ये फीड में डाल के लाया हूँ, ये इनको डाल देते हैं जी दोनों जगह पे अलग अलग। चलो जी खाओ, अब ये सिर्फ चूज़ों के लिए है, बाकी मुर्गियाँ वहाँ पे जो है ना रोटियाँ खा रही हैं, तो आज हो सकता है कि मुर्गियाँ इस तरफ ना आए। ये वाली आई हुई है छोटे बच्चों वाली, वो देखें लड़ रही हैं। तो जी फ्रेंड्स, अंडे जो मैंने लगाए हैं ना मशीन में, वो मैंने इसलिए लगाए हैं कि चलो सीज़न चेंज हो रहा है तो अब लगा देते हैं, क्योंकि आगे अब 21 दिन अंडे रहेंगे मशीन में, उसके बाद बच्चे निकलेंगे, तो तब तक मौसम चेंज हो जाएगा और जो है ना अच्छा मौसम आ जाएगा, क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है,
तो अगस्त भी एंड होने वाला है, तो सितंबर में निकलेंगे, सितंबर के मिड में जाके कहीं बच्चे निकलेंगे, तो इंशाल्लाह मौसम ठीक हो जाएगा। 9 महीने में मौसम ठीक हो जाता है। तो यार ये मुझे सुस्त लग रही है, इसको क्या मसला है, इसको क्या है, इसको मार रहे हैं शायद या क्या मसला है पता नहीं, या सुस्त है। इसको मैं बाद में पकड़ के चेक करता हूँ। तो कबूतरों ने कहीं अंडा तो नहीं दे दिया, बाहर नहीं आ रहे, आई थिंक कबूतरी ने अंडा दे दिया है, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, कबूतरी ने अंडा दे दिया है जी, और इसने आज ही अंडा दिया है। मैंने इनको सेल करना था लेकिन कबूतरी ने अंडा दे दिया है। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग करते हैं एंड, होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।